गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज़ ऑन शॉर्ट स्टोरी द फ्रेंडली मोंगोस, उसके क्वेश्चन आंसर्स। आपको पता है कि कल वाले टॉपिक में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस इसके करवाए हैं। आज मैं इसका 4th-5th क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4th है, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मोंगोस विद हर बास्केट। किसान की बीवी ने अपनी टोकरी से नेवले को क्यों मारा, क्यों मारा उसको टोकरी से। इसका आंसर है, सीइंग द ब्लड सिमर्ट मोंगोस शी थॉट दैट ही हैड किल्ड हर बेबी सो शी स्ट्रक द मोंगोस विद हर बास्केट। जब वो मार्केट से आई तब उसने देखा कि जो ये मोंगोस था ये लथपथ था ब्लड से। सिमर क्या होता है, लथपथ, ब्लड से लथपथ था वो। और उसको क्या लगा, उसने सोचा शायद इसने मेरे बच्चे को, मेरे बेबी को मार डाला है। तभी उसने स्ट्राइक किया नेवले को अपनी टोकरी से। ये है क्वेश्चन 4th का आंसर। यहाँ पे ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है ये सारा। क्वेश्चन 5th, डिड शी रिपेंट हर हेजिटी एक्शन, हाउ डिड शी शो हर रिपेंटेंस। डिड शी रिपेंट हर हेजिटी एक्शन, क्या उसको, उसने सॉरी फील किया, उसको पछतावा हुआ जो उसने ये एक्शन की, जो उसने ये बास्केट से, टोकरी से उसने मोंगोज को मारा। क्या उसने सॉरी फील किया, उसको पछतावा हुआ। आंसर है हाँ, यस, शी रिपेंटेड हर हेजिटी एक्शन, शी टचड द डेड मोंगोज एंड बर्स्ट इंटू सोबिंग। हाँ, उसको रिपेंटेंट हुआ रिपेंटेंस, उसको पछतावा हुआ। उसने क्या किया, उसने टच किया मोंगोज को, छुआ उसने डेड मोंगोज को जो मरा हुआ था नेवला, और उसको आंसू आने लगे और वो रो पड़ी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई वो। अब ये क्वेश्चन 5th का था ये आंसर। इसके क्वेश्चन आंसर्स अब ख़त्म हो गए। अब मैं यहाँ पे आपको इसके वर्ड मीनिंग थोड़े से बताऊँगी। ये है मोंगोज, मोंगोज का मीनिंग क्या है, नेवला। पेट का है पालतू जानवर, कंपेनियन होता है साथी, टनी होता है बिल्कुल छोटा, क्रैडल होता है पालना, सिमर्ड होता है लथपथ, विकर्ड होता है शैतान। बच्चों ये इसके है वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन हमने आज इसके किए।